अन्याय प्रतिकार यात्रा मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को बरी न किए जाने के विरोध में शुक्रवार की शाम पार्टी के जिला व महानगर कमेटी ने केंद्र व प्रदेश सरकार के विरुद्ध संयुक्त रूप से सद्बुद्धि यात्रा निकाली। अजय राय के लोहराबीर स्थित आवास से यह यात्रा लोहटिया के बड़ा गणेश मंदिर तक गई। वहां पहुंचकर संगठन के लोगों ने पूजा अर्चना कर सरकार को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना ईश्वर से की। यह यात्रा श्री राय की भागीदारी में महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे तथा जिला अध्यक्ष राजेश्वर पटेल की देखरेख में निकाली गई। इस मौके पर अजय राय ने आरोप लगाया कि 2015 में निकाली गई अन्याय प्रतिकार यात्रा प्रकरण में मेरा बरी न होना सरकार की साजिश का हिस्सा है। हमें द्वेषपूर्ण राजनीति भावना के जरिए मुकदमे में फंसाए रखना अनुचित है। अन्याय प्रतिकार यात्रा के 82 आरोपियों में से 81 को दोषमुक्त कर दिया गया, जबकि मुझे द्वेष के कारण बरी नहीं किया गया। गणेश प्रतिमा के विसर्जन पर जो प्रतिकार यात्रा निकाली गई थी, गणेश जी के ही मूर्ति के विसर्जन का प्रकरण था, उसमें 81 लोगों को सरकार ने बरी कराया, एक आदमी मुझे छोड़ दिया गया, क्योंकि मैं भी शंकराचार्य जी के आह्वान पर वहां गया था, मुझे उसमें छोड़ दिया गया, बाकी लोगों को बरी कर दिया गया। तो आज सरकार तो सुनने वाली है नहीं, दोनों सरकारें बरी घूमी है। तो गणेश जी की प्रतिमा के विसर्जन के दौरान ये सारे मुकदमे लगे, तो हम लोगों ने सोचा कि बड़ा गणेश चल के उन्हीं से प्रार्थना करेंगे, उन्हीं की स्तुति करेंगे, चल के उनसे प्रार्थना किया, स्तुति किया कि सद्बुद्धि दें योगी और मोदी सरकार को, कि वो न्याय करें, अन्याय न हो, द्वेषपूर्ण कार्रवाई न करें। हम लोग के साथ पूरी तरीके से द्वेषपूर्ण कार्रवाई की गई, सनातन धर्म की रक्षा करने में हम लोग पर मुकदमे चल रहे हैं। हम लोगों ने यही जाके गणेश जी से प्रार्थना किया कि हे भगवान, हे गणेश जी, आप बुद्धि के देवता हैं, बुद्धि इनको दीजिए, सद्बुद्धि प्रदान करिए। यही हम लोगों ने उनसे हाथ जोड़कर, उनसे मत्था निवाकर, यही उनसे विनती किया।